आचना छबड़िया नहीं क्यों तुम बीफ नहीं एंजॉय कर रहे, तुम चिकन वाले लोग हो, अच्छा तुम वेजिटेरियन हो। अरे यार ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है साला। बड़ी मुश्किल से कल के कमेंट सेक्शन में मुझे समझ में आया कि ड्रामा हो क्यों रहा है, और मैं अपने आप को गलियारा था कि मैंने तुम्हें लाइक करने के लिए नहीं बोला। साले 15,000 व्यूज दे रहे हो, लाइक नहीं हो रहा तुमसे। 2,000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे, टांगे काट दूंगा मैं। किसके फैंस की वो कल बताऊंगा मैं, आज देखेंगे लाइक होते कि नहीं होते। अबे बहन क्या, कल लोगों ने कमेंट करके मेरी प्रॉब्लम समझी और मुझे बताने की कोशिश की कि ये ड्रामा कब और कहां से शुरू हुआ है। तो पता चला ये ड्रामा जाता है एक साल पहले का। पहले कर्मा ने डिस किया था बंटाई रिकॉर्ड्स और बंटाई को, किस बात में भगवान जाने यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कर्मा से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि जब एक्चुअल ड्रामा चल रहा था तब तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे, फिर सडनली क्यों? ये तो वही हो गया ना शेरू शू। पर एक साल बाद तुम आके ये प्राउडली नहीं बोल सकते हैं कि हमारे हुड में नहीं है ये, हम इंडिपेंडेंट है। मैं कहा जब बंटाई कर रहा था तब तो तुम मजाक उड़ा रहे थे उसका, अब तुम खुद के गाने में बोल रहे हो हम इंडिपेंडेंट है। वो क्या था फिर, हम रैप करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ये भी हिपोक्रेसी है कि अगर तुम एक गाने में उसको झोपड़पट्टी वाला बोल रहे हो और खुद को प्राउड पहाड़ी बोल रहे हो तो फिर अब ऑफेंड क्यों ले जा रहे हो? मतलब तुम गाने में बॉडी शेम कर रहे हो, लोगों के मुंह में गोटे दे रहे हो, बट अगर कोई सामने से तुम्हारे वैसे ही रिप्लाई कर दे फिर चलेगा। हाँ नहीं नहीं देखो कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है। पता नहीं कोई रैपर था ना कि इसे कहते हैं असली बीफ, कोई माँ बहन बाप पे नहीं जा रहा, गर्लफ्रेंड में नहीं जा रहा, बाकी सब गलत कर रहे वो सब देख नहीं रहे। मतलब ये तो फिर हिपोक्रेसी। मतलब अब यंग गालिब कुछ भी बोलेगा तुम देख रहे हो उस पर क्या बैकलैश आएगा। मतलब मैंने बोला था ना इस वाले गाने पे बैकलैश आएगा, और सिर्फ एक लाइन नहीं थी, कुछ लोगों को लगा एक दो लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें थी जो कॉन्ट्रोवर्शियल थी और डिसरेस्पेक्टिंग थी जो मैंने एड्रेस की थी। बट कुछ लोगों को समझ में आया कि एक लाइन थी या दूसरी लाइन थी। अभी वही चीज कर्मा कर रहा है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी नहीं, क्योंकि कर्मा कर रहा है। और ये एग्जैक्टली देखा देखा सीन है जो हमने पास्ट में देखा है, क्योंकि जब कृष्णा गया था बंटाई की गर्लफ्रेंड पे तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब बंटाया गया कृष्णा की मम्मी पे सारी दुनिया खिलाफ हो गई, इतनी खिलाफ हो गई कि बंटाई को प्राइवेट करना पड़ा गया ना। मैं कहा यार ये हिपोक्रेसी है यार, हिपोक्रेसी। अरे तू वो फाइट छोड़ने की बात कर रहा है पिछले दो गानों से जिसको तूने शुरू किया है। Why are we still here? Just to suffer. अभी तूने लास्ट सॉन्ग में बोल दिया था कि अब तू कुछ भी कर ले मैं नहीं आऊंगा, तुझे अपना काम करना है। अभी मैं जी के गूगल पे ही तेरा सुन रहा था, उसमें भी तो कह रहा कि हाँ मैं डिस्ट नहीं करना चाहता, मैं डिसेंट सॉन्ग बना रहा हूँ, लोगों को वो टट्टी लगते हैं। अरे तू डिसेंट सॉन्ग बनाना, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सुनता हूँ वो कभी कभार। बात तो सही है। अब मुझे भी मालूम है क्या होने वाला आगे, बैठ गई होगी बंटाई रिकॉर्ड्स की टीम साथ में। अब तो हेलिक का भी नाम ले लिया इसने, इसमें लिया था पहले वाले में लिया था पता नहीं, मैं बिल्कुल याद नहीं है। अबे मैं 3 बार सुना है यार, 2 बार तो 0.75 पे सुनना पड़ता है कि क्या बोलना चाह रहा है ये। गलत बात है, गलत। अगर तुमने कलमकार छोड़ दिया है तुम अपने काम पे काम रखो ना, वरना बोलने तो जिसको जो बोल रहा है तुम करो ना अपना। और इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो, इसका एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी मिलेगा, बस हाइप मिल जाएगी थोड़ी सी। तुम उसको बोलो तेरे को हाइप मिल रही है, अबे तेरे को भी तो मिल रही है, ये क्या है कि एक साइड ही देखेंगे अब भाई, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ग्रे एरिया भी देखना पड़ता है, वरना हमारी तो जॉब खा जाओ तुम सालों। हाँ बट अगर गाने की रिव्यू की बात करें तो लिरिक्स बेटर है, पहले से तो बेटर ही है। म्यूजिक काफी चेंज कर दिया, ड्रिल बीट हटाई है थोड़ी सी चेंज, पता नहीं क्या है ये बीट, बट जो भी थी अमेजिंग थी, सुनने में अच्छा लग रहा था मुझे। चले इससे अच्छा तो मैं गैंगस्टर सुन लूँ, कमर्शियल टाइप का ट्रैक है इसका। अब मैं वेट कर रहा हूँ कल की म्यूजिक वीडियो का, जब आएगा यंग गालिब फिर होंगे असली मजे। कौन से मजे? सो लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, कर्मा जीता कि गालिब? बाकी कल तो पता चल ही जाएगा तुमको भी और मुझको भी। इसके अलावा क्या चल रहा है इंटरनेट पे? इंटरनेट पे भाई साहब बहुत गंदी गंदी चीज़ें चल रही हैं। क्या यूट्यूबर पैसा कमा पा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा, कोई पूछो। ये रैप पर बीफ कर रहे हैं, यूट्यूबर ड्रामा कर रहे हैं, चल क्या रहा है? अभी UK07 एल्विश यादव वर्सेस MP04 चल रहा है, पता नहीं क्यों। अरे उसको कोई गाड़ी लेनी थी, वो डिफेक्टिव थी तो दूसरी गाड़ी ले ली, इस पर लोग आके उसको बोलने लग गए तू कॉपी है, कॉपी साला। आप भाई को इतना बोल दिया ना कि ये UK07 राइडर का तू कॉपी है, तू एल्विश यादव का कॉपी है, भाई भड़क गया। किस पे? फैंस पे? नहीं पागल है, वो तो लॉजिकल होगा। वो भड़का इन दोनों क्रिएटर पे, और भाई क्या बात कहता है, मेरा दिल जीत लेता है। बात तुम हेटर्स नहीं करी है, खत्म मैं करूंगा।
इनने कंपेयर किया ना मेरे को एलवी शोर को से, तो अब मैं मार रहा हूँ तो इनका जीजा लगता है ना एलवी शोर जट प्रतिरोध, वो तब तो चिड़ रहे हैं खिलप रहे हैं, इनको खिला रहे हैं ना वो सब। भाई देखो शुरुआत आपने की थी गाइस, खत्म मैं करूंगा यार, कंपेयर नहीं करना था ना, मेरा कंपेयर किसी से नहीं है, उनसे भी नहीं है, वो अपनी जगह पे होंगे बाप, मैं अपनी जगह पे बाप हूँ, ठीक है, किसी में दम नहीं है भाई, किसी में सबकी ना फटती होगी इन लोगों से, जो छोटे ग्रेडर से मेरे बराबरी ग्रेडर है, जो मेरे भाई है ग्रेडर, सबसे मेरी बात होती है, चाहे वो अपना कोई भी क्यों ना हो, मैं नाम नहीं लूंगा, सब डरते हैं भाई बोलने में कि बड़ा ग्रेडर है इनको बोल देंगे तो कहीं समझ रहे हो कितना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कूदा होना चाहिए कूदा बोलने के लिए, ये जो है ना ये पहले की निशानी है, मैं पहले बदमाश ही था भाई, आज भी जाओ और पता करो कि कौन थे क्या थे आज, पता जब ऐसी कोई बात करता ना मेरे दिल से आता है, तू बोल रहा है, तू अपने हिस्से बोल रहा है, बट हम यहाँ पे फुद्दू बैठे हुए हैं, हम स्कूल नहीं गए क्या, हमने कभी करी नहीं बैक बेंचर वाली हरकतें, मतलब तुम ही पढ़ रहे हो, हम तो फुद्दू बैठे हुए यहाँ पे, और एक मिनट उन्होंने क्या बोला तेरे को अभी तक, जब तेरे को कुछ नहीं बोला तो तू कौन होता है बोलने वाला, अगर फैंस तेरे को गले आ रहे तो फैंस को बोलना कि भाई ये नहीं है ये है, और फैंस की वजह से ही सब बनते हैं, चाहे तू भी बनेगा या है जो भी है, वो सारे तेरे व्यूअर्स की वजह से ही है ना, अगर कुछ लोग तेरे को गलियारे तो कुछ लोग तेरे को सपोर्ट भी तो दिखा रहे हैं, बट नहीं मैं गुंडा ये देख रहा है, अबे तू ये देख रहा है क्या यहाँ पे देख रहा है, और क्या ये देख रहा है मेरी भी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या यही दिखाता रहूंगा पूरे दिन, और फिर अल्पेश यादव की भाई टीम भी चुल्लू भर पानी दो मैं डूब मरता हूँ, साले ये वीडियो में कंटेंट बनाने हैं लड़ाई करने आए हैं, अभी आ जाएगा फैजू फिर कि चलो फाइट करते हैं, फैजू तक नहीं अदनान सॉरी फैजू, हाँ ज्यादा दिल पे मत लेना क्योंकि आजकल घर पे कोई नहीं है ना तो मैं चिल्ला सकता हूँ जो मन चाहे, गाली नहीं दे रहा हूँ अभी भी कंट्रोल में हूँ सालों मैं, वरना मैं भी कर रहा था, देख रहे हो गुंडा करती जुल्फे ऐसी निपटाई मैंने, फेंक के मारता हूँ लटे, अरे चुप हो जाओ पापी हो चुप हो जाओ, पता नहीं क्या है ये बंदा, कहाँ का ये पोलियोमोरस बंदा, इसकी छह छह बंदियां हैं बीवियां हैं, बंदे ने 80 लाख खर्च किया है 20 फुट लंबा बेड बनाने के लिए ताकि ये अपनी बीवी के साथ सो सके, मैं कहा देख तेरे पास 6 है उनमें से एक चली भी जाएगी ना तेरे को पता नहीं चलेगा, हम पे भी रहम खाओ यार, मेरे पास अपना बेड है तेरा बेड चाहिए भी नहीं मेरे को, और वैसे भी 6-6-7 लोग 20 फुट के बेड में रहेंगे कंजस्टेड रहेगा, एक हमारे पास भेज दे, बोलते हैं बेकार तो लग रहा है बट यहाँ पे एक नहीं मिल रही, इसके पास 6 कैसे है यार, मैं बता रहा हूँ लड़की का भरोसा उठ गया मेरा, दिल से आया ये तो मेरे साले कुत्तों की जिंदगी, चलो बाकी 8 मिनट हो गए तो तुम्हारी किस्मत नहीं है मेरी किस्मत, बाकी यही था आज की ट्रेंडिंग टॉपिक, मैं मिलता हूँ कल, अरे बर्तन धोने जाना है यार, बर्तन धोना है खाना गरम करना है, क्या करूँ मैं, अकेले रहने के फायदे तो बहुत है बट नुकसान भी बहुत होते हैं, अबे मैं चाय बनाने गया तो पहले मैंने तेज आंच में किया तो दूध फट गया, तो मैं कहा ठीक है फ्रिज से निकाल के रखा था, मैं कहा फिर फेंक दिया मैंने उसे, तो मैंने लो आंच में करने गया तो फिर से फट गया, मैं पनीर बन रहा है दोनों बार, फिर मेरे को समझ में आ गया भाई दूध ही फट चुका है, मैं फटे दूध की चाय बना रहा हूँ, साला फुद्दू हूँ मैं भी, लाइक कर दो अगर तुम भी चाहते हो मैं चाय पी पाऊँ, ये बॉय।